अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मछुआरे लूअर मछली को कैसे जाल से निकालते हैं और माजी में ये काम कैसे होता था और आज कैसे हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल यहाँ ग्वादर में ज़्यादातर स्पीड बोट इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले मछेरे कश्तियाँ इस्तेमाल करते थे। पहले मछेरों की तादाद कम होती थी और ग्वादर शहर में फिश प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ भी कम थे। अक्सर व बेशतर यहाँ की मछली करीबी इलाकों में ले जाकर बेची जाती थी। पेट्रोल सस्ता होता था और जाल रस्सी के बने होते थे। कश्ती स्पीड बोट के मुकाबले में ज़्यादा वज़नी होती है और स्पीड बोट के मुकाबले में इसका इंजन भी छोटा होता है, तो छोटा इंजन और वज़न होने की वजह से कश्ती को समंदर में आने जाने में काफ़ी वक्त लगता था। मतलब अगर शिकार 1 या 2 घंटे का होता था तो ज़्यादा वक्त इस शिकारगाह तक पहुंचने और वापस साहिल तक आने में ज़ाया हो जाता। अगर हम पुराने दौर के नाखुदा की बात करें तो वो बहुत माहिर हुआ करते थे। समंदर में शिकार करने में ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि मछली समंदर के नीचे कहां पर है, लेकिन उस वक्त के नाखुदा ऐसे माहिर होते थे कि समंदर के पानी को देखकर उन्हें मालूम हो जाता था कि आज समंदर के अंदर मछली है या नहीं। उस वक्त के मछेरों के पास GPS नहीं होता था, वो अपने अंदाजे से अपने शिकारगाह जाते थे और वापस शहर आते थे। समंदर एक खुली जगह होती है, बगैर GPS के मालूम नहीं होता कि साहिल किस तरफ है, और अगर आप ऐसे ही समंदर में साहिल की तलाश में घूमते रहे तो फ्यूल ख़त्म हो सकता है और इस सूरत में आप समंदर के बीचों बीच फंस सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप समंदर के अंदर किस लोकेशन पर हैं। आजकल GPS ने ये काम बहुत आसान कर दिया है और समंदर के अंदर काफ़ी दूर तक मोबाइल सिग्नल भी काम करते हैं, और इसीलिए आजकल नाखुदा बनना बहुत आसान है। जो समंदर को थोड़ा बहुत जानता है और बोट चला सकता है वो नाखुदा बन जाता है। पुराने दौर में सिर्फ माहिर लोगों को ही नाखुदा बनने का एहसास मिलता और उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि नाखुदा कहकर पुकारा जाता और उन्हें समंदर के बाहर इज्जत के तौर पर नाखुदा ही कहा जाता। और आज भी अगर समंदर के अंदर किसी को मुश्किल आए और मशवरे की ज़रूरत हो तो पुराने वक्त के नाखुदा से ही राबता करते हैं। खैर, जैसा मैंने पहले कहा था कि इन कश्तियों को ज़्यादा वक्त आने जाने में लग जाता था, तो उस वक्त जब मछेरे शिकार ख़त्म करते थे और जाल को पानी से निकालते थे तो वहीं समंदर के अंदर ही मछलियों को निकालना शुरू करते थे, और जब तक वो साहिल तक पहुँचते तो सारी मछली जाल से निकाल लेते थे और कश्ती के फर्श के नीचे जगह में रख देते थे। मछली को ज़्यादा धूप और गर्मी नहीं लगती थी, क्योंकि लूअर मछली को जब ज़्यादा धूप और गर्मी लगे तो उसका जिस्म पटने लगता है और वो ख़राब होने लगता है। स्पीड बोट पे मछेरे मछली को वहाँ समंदर के अंदर नहीं निकालते। स्पीड बोट साहिल पे आकर बोट को समंदर से बाहर निकालने के बाद मछली को जाल से निकालते हैं, लेकिन कश्ती में ऐसा है कि कश्ती को समंदर के बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो पुराने दौर में जब कश्ती साहिल पर पहुंचती तो समंदर के अंदर गधा गाड़ी वाले जाते और उन कश्तियों से लूअर मछली निकालकर अपने गधा गाड़ी में लोड कर साहिल तक ले आते। पुराने दौर के लूअर मछली के शिकार में और आज के लूअर मछली के शिकार में बहुत फ़र्क होता है। तो आजकल ये काम कैसे होता है इस पर नज़र डालते हैं। आजकल ज़्यादातर स्पीड बोट इस्तेमाल होते हैं। स्पीड बोट फाइबर के बने होते हैं, कश्ती के मुकाबले में ये कम वज़नी होता है और इसमें इंजन भी बड़ा लगा होता है, तो मछेरों को समंदर में आने जाने में सिर्फ कुछ ही घंटे लगते हैं। आजकल जो मछेरे लूअर मछली का शिकार करते हैं वो सुबह फजर के बाद निकलते हैं और सुबह 10-11 बजे के दरमियान उनका आना शुरू हो जाता है।
12 से 1 बजे के दरमियान उनका सारा काम ख़त्म हो जाता है, मतलब समंदर के अंदर जाना, मछली का शिकार करना, मछली को साहिल तक लाना और साहिल पे मछली को निकालना और बोट को साफ करना और बोट को पार्क करना, ये सारा काम सिर्फ कुछ ही घंटों में होता है। पहले दौर में जब कश्तियों में मछेरे शिकार के लिए जाते थे तो वो फजर को निकलते थे और शाम को वापस आते थे, तो पुराने दौर में और आजकल के दौर में काफ़ी घंटों का फ़र्क है। मछेरे इसलिए कश्ती से स्पीड बोट में शिफ्ट हुए कि उन्हें कश्ती के मुकाबले में बहुत ही कम वक्त लगता है, लेकिन इस तेज़ी और कम वक्त के लिए मछेरों ने कुछ खोया भी है। जैसा कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसी तरह स्पीड बोट वालों को फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी। फ़ायदा ये हुआ कि उनके वक्त की बचत हो गई और वो जल्दी काम से फारिग हो जाते हैं, और कभी कभार जब शिकार ज़्यादा हो जाता है तो उनके पास इतना वक्त होता है कि वो दोबारा जाकर समंदर में शिकार करें। लेकिन कश्ती में ऐसा होता था कि शिकार जितना भी समंदर के अंदर हो, आप सिर्फ एक वक्त में समंदर जा सकते थे, लेकिन अब मछेरे 1 से 2 चक्कर भी लगा सकते हैं। कश्ती में इंजन छोटा लगता है, छोटे इंजन की वजह से तेल कम खर्च होता है। स्पीड बोट में बड़े इंजन की वजह से तेल ज़्यादा खर्च होता है। उस वक्त तेल सस्ता भी होता था और आजकल महंगा है। ये स्पीड बोट 6 से 8 हज़ार का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं आने जाने में। आजकल लूअर मछली ज़्यादा रखी नहीं जा सकती, लूअर मछली नरम होने लगती है और ख़राब हो जाती है। गर्मी लगने की वजह से मछली का जिस्म पटने लगता है, इसलिए उन्हें अपने काम में तेज़ी चाहिए, और इसी वजह से मछेरे स्पीड बोट पर शिफ्ट हो गए। माहौलियाती तब्दीलियों और ओवर फिशिंग की वजह से यहाँ की लूअर मछली का साइज़ छोटा होता है और इसका जिस्म नाजुक होता है। गर्मी लगने की वजह से इसका जल्द ख़राब हो जाता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि पुराने दौर में मछेरे जब शिकार के बाद फारिग होते तो वापसी पे वो अपने जाल से मछलियाँ निकाल कर कश्ती के फर्श के नीचे जगह में रख देते थे। अभी जब मछेरे स्पीड बोट में मछली का शिकार करते हैं तो वो समंदर के अंदर मछली को जाल से नहीं निकालते, बल्कि साहिल तक आते हैं और बोट को पानी से बाहर निकालते हैं और फिर जाल से मछली को इस तरह निकालते हैं। इस तरीके से जाल से मछली जल्दी निकल जाती है और मछेरे इसे जल्दी से रक्षे में लोड कर फैक्ट्री भेज सकते हैं या इन कड़े हुए गाड़ियों में बर्फ़ के अंदर रख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से काफ़ी मछलियां ज़ाया हो जाती हैं और ख़राब भी हो जाती हैं। फैक्ट्री वाले इन मछलियों की क्वालिटी देखते हैं और इस पर कुछ परसेंटेज की कटौती करते हैं। वो कटौती इसलिए होती है कि जो मछली ख़राब और ज़ाया है वो फैक्ट्री के किसी काम की नहीं, तो उस ज़ाया मछली के पैसे इन मछेरों को नहीं दिए जाते। अभी फैक्ट्रीज़ भी ज़्यादा हैं और स्पीड बोट भी ज़्यादा हैं। स्पीड बोट ज़्यादा होने की वजह से मछली का रेट भी बहुत कम है। लूअर मछली ज़्यादा होने की वजह से इसका रेट भी बहुत कम है। अगर वो एक दिन शिकार किए बगैर लौटें तो उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। आज के दौर के मछेरे जो लूअर मछली का शिकार करते हैं उन्हें इतने पैसे मिलते हैं कि वो उनका एक दिन कट जाए, अगर दूसरे दिन शिकार ना हो तो वो कर्ज़दार हो जाते हैं। पहले दौर में ज़्यादातर मछेरों के बोट अपने होते थे, लेकिन अब इस मछेरों की सब में सरमायादार आ गए हैं।
सरमायेदारों की वजह से बोट की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल जितने भी लूअर मछली के शिकार के बोट होते हैं मचेरों के नहीं बल्कि सेटों के होते हैं। आजकल एक सरमायेदार एक बोट खरीदता है, उसमें इंजन लगाता है और एक जाल खरीदता है और कुछ लोग उस बोट पे अपॉइंट करके बोट को समंदर में बेचता है शिकार के लिए। अगर आप पदीजर पे किसी भी मछेरे को पूछें जो लूअर मछली का शिकार करते हैं कि उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है या नुकसान, तो वो आपको यही कहेंगे कि उन्हें ज़्यादातर नुकसान ही होता है और उन्हें पैसे बहुत ही कम मिलते हैं जिससे उनका घर बहुत मुश्किल से ही चल पाता है। मैंने अपने फिशरमैन ऑफ ग्वादर सीरीज़ के एपिसोड 5 में कहा था कि मछली शिकार के बाद फैक्ट्री ले जाई जाती है, लेकिन कुछ मछली वहीं साहिल पे इन गाड़ी वालों को बेची जाती है। ये गाड़ी वाले इस मछली को ग्वादर से 100 या 200 किलोमीटर दूर अपने गाँव में ले जाकर बेचते हैं। मैंने जब इस गाड़ी वाले का इंटरव्यू लिया तो इसने कहा कि ये मछली इसकी नहीं है बल्कि किसी और की है। जब मैंने ये पूछा कि आप इस मछली को कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बुलेदा लेकर जा रहे हैं। बुलेदा तुरबत से कुछ फासले पर मौजूद एक टाउन है। ये इस लूअर मछली को 30 और 35 रुपए में ख़रीद रहा है, तो उसने कहा कि वो अपने टाउन में इसको 120 का बेचता है। तो ज़्यादातर फ़ायदा इन्हीं लोगों को होता है, मछेरे अपने शिकार से बहुत कम फ़ायदा ही उठा पाते हैं। ज़्यादातर फ़ायदा इन फैक्ट्री वालों को या इन बेचने वालों को होता है। जैसा आप गांव वगैरह में देखते हैं कि किसान मेहनत करता है और फसल उगाता है, फिर उस फसल को जब बेचता है तो उसे पैसे कम मिलते हैं और ज़्यादातर फ़ायदा फैक्ट्री वालों को होता है या उनके आगे वाले लोगों को। इसी तरह ये मछेरे भी उन किसानों की तरह हैं, मेहनत ये करते हैं और फ़ायदा इन बेचने वालों को होता है या फैक्ट्री वालों को होता है, और इन मछेरों को इतने पैसे मिलते हैं कि वो बमुश्किल अपना घर चला सकें। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि एक किसान बंगले में रहता है और उसके पास लैंड क्रूजर गाड़ी होती है। गाड़ियां और बंगले फैक्ट्री वालों के पास होते हैं, उन्हीं किसानों की तरह ये मछेरे भी हैं। मैंने कभी भी किसी मछेरे के पास न गाड़ी न बंगला देखा है। तो ये था एक छोटा सा किस्सा इन मछेरों का जो लूअर मछली का शिकार करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।